वीडियो है पेज नंबर 6। टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए पेज नंबर 6। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे कड़वा पांडड़ा। आज की स्टोरी क्या है? कड़वा पांडड़ा। एक राजकुमार घणो घमंडी अने शैतान हतो। एक राजकुमार था, वो बहुत ही घमंडी और शैतान था। ये हमेशा लोगों ने परेशान करतो हतो, वो हमेशा ही लोगों को परेशान करता रहता। राज्यना घणा लोगो एना आवा व्यवहार थी खूब ज दुखी हता। उसके राज्य के बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके ऐसे व्यवहार से दुखी रहा करते। आ बात भगवान बुद्ध पासे पहुंची, तेमने राजा ने मळवानु विचार्यु। ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची कि एक राजकुमार है वो लोगों को परेशान कर रहा, तो उन्होंने राजा को मिलने के लिए सोचा। राजा पोते पण राजकुमार ना खोटा व्यवहार थी दुखी हता। वहाँ के जो राजा थे वो भी राजकुमार के ऐसे व्यवहार से दुखी थे। प्रजा पण वारंवार राजकुमार की फरियाद करती हती और प्रजा भी बार बार राजकुमार की फरियाद कर रहे थे। राजाए महात्मा बुद्ध ने पोताना पुत्र विषे बात करी अने कोई उपाय बतावा विनंती करी। राजा ने महात्मा बुद्ध से मिलकर अपने पुत्र के बारे में बात की और उनसे कोई उपाय बताने के लिए विनती की। भगवान बुद्ध ने राजा ने धीरज आपता कही, राजन घबरासो नहीं, राजकुमार अवश्य सुधरी जैसे। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि राजा आप धीरज रखिए, घबराइए नहीं और राजकुमार अवश्य ही अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। एक दिवस महात्मा बुद्धे राजकुमार ने पोतानी पासे बोलावी अने कह्यु, सामे जे छोड़ छे तेना परथी पांदड़ा तोड़ी लाओ। एक दिन महात्मा बुद्ध ने क्या किया, राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि सामने जो आपको छोटा सा पौधा दिख रहा है उसमें से कुछ पत्ते तोड़ के लाइए। राजकुमार पांदड़ा तोड़ी लाए। राजकुमार ने क्या किया, वो पत्ते वहाँ से तोड़ के लाए। महात्मा बुद्ध ने कहूँ पांदड़ा खाई जाओ और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि ये पत्ते अब आप खाइए। राजकुमारे पांदड़ा मुँह में मुक्या अने तरत ज थूक थूक करीने थूकी नाख्या, कारण के ये पांदड़ा अतिशय कड़वा हता। राजकुमार को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि आप ये पत्ते खाइए। तो राजकुमार ने जैसे ही अपने मुंह में वो पत्ते डाले तो कड़वे लगे। कड़वे लगने के कारण राजकुमार ने उसको थूक दिया। राजकुमार ने इतनो क्रोध आयो कि ते दौड़तो पेला छोड़ पासे गयो अने ते छोड़ ने तेने मूलमांथी उखेड़ी नाख्यो। राजकुमार को जो पत्ते कड़वे लगे उससे उसको इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत ही भाग कर उस पौधे के पास गया और उसने उस पौधे को उखाड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने पूछू, राजकुमार छोड़ने के उखाड़ी नाख्यो। महात्मा बुद्ध ने उनको ऐसा करते हुए देखकर पूछा कि राजकुमार आपने उस पौधे को क्यों निकाल दिया। राजकुमार बोलियो, महात्मा एक छोड़ घणोज कड़वो हतो, मोटो थता ते इस वृक्ष बनी जाए इतले मैं तेने अत्यारे उखाड़ी ने फेंकी दीधो। राजकुमार ने क्या कहा कि हे महात्मा, वो पौधा बहुत ही कड़वा था और बड़ा बनके वो एक विष वृक्ष में बदल जाता, इसीलिए मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। महात्मा बुद्ध धीमे थी हस्या अने बोलिया, राजकुमार लोगों साथे तमे पण कड़वो व्यवहार करो छो, जो तेओ पण तमारा खोटा व्यवहार थी नाराज थईने आमज करशे तो जे व्यवहार तमे छोड़ साथे कर्यो तेओ व्यवहार तमारी साथे करशे तो। राजकुमार की ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध मन मन मुस्काए और उन्होंने राजकुमार से बोला, राजकुमार आप भी तो लोगों के साथ ऐसा कड़वा व्यवहार करते हैं और आपके ऐसे बुरे और कड़वे व्यवहार से नाराज होके लोगों ने भी आपके साथ ऐसा ही किया तो जैसे आपने इस पौधे को निकाल के फेंक दिया
वैसे ही अगर लोगों ने भी आपके साथ ऐसा ही किया तो राजकुमार ने पोतानी भूल समझाई गई कि महात्मा बुद्धना चरणों में पड़ी गयो अने वचन आप्युं कि हवेथी ते क्यारे कोईने सतावशे नहीं। राजकुमार को महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर अपनी भूल समझ में आ गई और महात्मा बुद्ध के पैरों में गिरकर उनको वचन दिया कि मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। बाड़क को सम्मान मेळवा माटे आपने पण बीजाने सम्मान आपवो जोईए, कोईनी साथे खराब व्यवहार कराए नहीं। हमको भी क्या करना चाहिए, अगर हमको सम्मान चाहिए तो किसी और को सम्मान देना भी सीखना होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जो लोगों को देंगे वही लोग हमको देंगे।